हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ रॉयल इंटरनेशनल स्कूल. दिस इज़ आवर हिस्ट्री क्लास फॉर क्लास 12 एंड इन दिस चैप्टर वी विल कंटिन्यू आवर फर्स्ट चैप्टर द ग्लोरियस पास्ट ऑफ इंडिया. मोस्ट ऑफ पार्ट वी हैव कंप्लीटेड ऑफ दिस चैप्टर. नाउ टुडेज टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडेटेडनेस एंड यजना. यानी कि हम जो इंडेटेडनेस है, यानी कि जिसमें हम कर्जदारी से फ्री होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट इंडेटेडनेस यानी कि ऋण ग्राहिता, कर्जे के कितने कॉन्सेप्ट होते हैं, कितने टाइम का कर्जा होता है, एंड यजना और कितने टाइम के यज्ञ होते हैं, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. द टुडेज टॉपिक इज द कॉन्सेप्ट ऑफ indebtedness and yajna. Let's read. Indebtedness and yajna are important parts of Indian culture. Indebtedness और yajna, यानी कि कर्जदारी और यज्ञ करना, ये दोनों ही इंडियन कॉन्सेप्ट के, इंडियन कल्चर के कॉन्सेप्ट रहे हैं. In Rigveda, there is the discussion of indebtedness of man in relation to life in this world and life hereafter. कि Rigveda में भी indebtedness का क्या मिला है, discussion मिला है. The mantras reflect on the spirit of indebtedness. और कुछ mantras भी दिए हैं जिसमें indebtedness से related है. The true happiness lies in being free from debted. यानी कि जिसमें हम कर्जे से क्या हो, free हो, उसी में ही true happiness होती है. The Indian sages have described three types of debts. और Indian sages ने three types के debts बताए हैं कि कितने तरीके के कर्जा होता है. Indebtedness to gods, यानी कि हम लोग भगवान के कर्जदार होते हैं. Indebtedness to sages, और हम साधु संत गुरु के होते हैं. Indebtedness of parents, और हम parents के भी कर्जदार होते हैं, क्योंकि उनका कर्जा हम पर रहता है कि वो हमें पालते पोसते हैं. भगवान का इसलिए रहता है कि वो हमें, उन्होंने हमें अर्थ पर एक ह्यूमन बीइंग के फॉर्म में, एक ह्यूमन क्रिएचर के फॉर्म में भेजा है. तो अर्थ ने, इंडियन सेज ने कितने डेटेड्स को बताया है. इंडियन सेज सेजेज जो इंडियन साधु संत रहे हैं, जो सेंट रहे हैं, उन्होंने थ्री टाइप्स के डिस्क्राइब्ड थ्री टाइप्स ऑफ डेटेड. तो थ्री टाइप्स के इन्होंने डेट्स बताए हैं. वो थ्री टाइप्स के कौन कौन से हैं. पहला है द पेरेंट्स डेट्स. सेकंड जो है सेजेस डेट्स. थर्ड गॉड्स डेट्स. तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ डेट्स. यानी कि तीन तरीके के मानव के ऊपर कर्जा होता है. माता पिता का होता है, साधु का होता है, और भगवान का होता है. लेट्स वी डिस्कस व्हाट इज द पेरेंट्स डेट. कि भगवान, हमारे माता पिता का हम पर क्या कर्जा होता है. बाय मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस थ्रू प्रोडक्शन ऑफ प्रोगेनी वी कैन क्लियर द पेरेंट्स डेट. यानी कि बाय मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन रेस. कि हम, हमारे माता पिता ने हमें जन्म दिया है. पेरेंट्स डेट यानी कि हम लोग जब माता पिता, हम खुद जब माता पिता बने, तो अपने बच्चों को मेंटेन करना और हमारे ह्यूमन रेस से उसका रख रखाव करके हमारे पेरेंट्स का डेट हम लोग कर्जा चुका सकते हैं. सेज डेट क्या होता है. वी कैन क्लियर दिस डेटेड बाय एनरिचिंग एंड डेवलपिंग द नॉलेज एंड द ट्रेडिशन दैट वी हैव इनहेरेंट फ्रॉम द सेजेस. यानी कि जो साधु संत से हमने जो नॉलेज, जो ज्ञान ली है, जो हम लोगों को जो नॉलेज मिली है, उसको हम और ज़्यादा डेवलप करें उन नॉलेज को, और जो ट्रेडिशन है उनको हम इनहेरिट करें, उनको हम आगे से आगे हमारी आने वाली जनरेशन तक पहुँचाएँ. तो इस तरीके से हम लोग सेजेस के डेट्स को, उनके कर्जे को चुका सकते हैं. तो थ्री टाइप्स के कर्जे बताए हैं. द पेरेंट्स डेट्स, द सेजेस डेट, द गॉड्स डेट. भगवान, आर ड्यूटीज टू द गॉड्स एंड गॉडेस आर क्लियर्ड बाय परफॉर्मिंग द यजना. और अगर हम लोग भगवान का कर्ज चुकाना चाहते हैं, तो उनकी हम लोग वर्शिप करें,
और हमारी जो ड्यूटीज़ हैं, जो हमारे कर्तव्य हम क्लियर कर सकते हैं यजना यज्ञ परफॉर्म करके। द यजनास रीयूनिट मैन विद द ओरिजिनल क्रिएशन, थस मैन शुड एक्सटेंड कोऑपरेशन इन मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ क्रिएशन बाय फीडिंग द एनिमल्स। और इस तरीके से मानव जो है वो अपनी कंटिन्यूटी ऑफ क्रिएशन, अपनी जो कंटिन्यूटी है उसको मेंटेन कर सकता है फीडिंग द एनिमल्स, एनिमल्स को फीड करवा के, अर्थ फॉर्म्स कीड़े मकोड़ों को एंड इंसेक्ट एंड ऑल्सो बाय द वर्शिपिंग द सन एंड द मून, और सूर्य और चंद्रमा की पूजा करके। तो सेजेस ने कितने टाइप्स के डेट्स बताए, कितने टाइप्स के कर्जे बताए हैं, द पेरेंट्स डेट्स, द सेजेस डेट्स एंड द गॉडेस डेट। सेजेस डेट्स को हम लोग कैसे उतार सकते हैं या हम लोग कैसे क्लियर कर सकते हैं इस डेट को, कि द नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उसको हम लोग क्या करें, एनरिच करें और डेवलप करें। तो बाय एनरिचिंग एंड डेवलपिंग द नॉलेज एंड द ट्रेडिशन दैट वी हैव इनहेरिटेड फ्रॉम द सेजेस, कि जो साधु संतों से हमें जो नॉलेज मिली है, जो ट्रेडिशन हमें मिली है, जो परंपरा मिली है, उनको हम और ज़्यादा एनरिच करें, डेवलप करें, और इस तरीके से हम उनके डेट्स को, उनके कर्जे को उतार सकते हैं। गॉड्स का जो कर्जा है वो हम लोग उतार सकते हैं कैसे, इट इज़ क्लियर बाय द परफॉर्मिंग यजनास, यजनास को परफॉर्म करके। और अब हम बात करते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ यजना। यजना क्या होता है, यज्ञ, यज्ञ जिसको हम लोग यज्ञ टू हम लोग गॉड और गॉडेस को खुश करने के लिए या अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जब हम लोग बहुत सारी मुश्किलों में गिर जाते हैं, देन वी परफॉर्म यजना। और सेजेस ने 5 टाइप्स बताए हैं यजना के, कितने टाइप्स बताए हैं यजना के, 5 टाइप्स। वो 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, लेट्स वी सी। और डेट्स कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के डेट्स होते हैं, द पेरेंट्स डेट्स, द सेजेस डेट्स एंड द गॉड्स डेट्स। 5 महायजना, यजना कितने हैं बेटा, 5 महायजना। ये 5 महायजना कौन कौन से हैं, 1 इज ब्रह्मा और ऋषि यजना, ब्रह्मा और ऋषि यजना। सेकंड जो है देव यजना, एंड थर्ड इज द पेरेंट्स यजना, फोर्थ इज भूत यजना, एंड फिफ्थ इज नृप यजना। अब हम देखते हैं कि इनमें ये कब परफॉर्म करता किया जाता है और कौन करता है। द इन इंडियन कल्चर मैन हैज़ बीन अर्ज्ड टू परफॉर्म 5 यजनास, कि इंडियन कल्चर में एक मानव को 5 टाइप्स की यजना परफॉर्म करने के लिए कहा गया है, ब्रह्मा और ऋषि यजना, इन सेल्फ स्टडी, अंडल्स इन सेल्फ स्टडी एंड टू पॉन्डर ओवर द आइडियाज एंड आइडियाज इम्पार्टेड बाय द सीज, यानी कि हम लोगों को अपने आप को स्टडी, यानी कि अपने आप को ध्यान लगाने के लिए, और आइडियाज़ जो सेज से हमें मिले हैं, जो ऋषियों से हमें आइडियाज़ मिले हैं, उसको गेन करने के लिए ब्रह्मा और ऋषि यजना किया जाता है। देव यजना टू वर्शिप गॉड, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की पूजा के लिए देव यजना किया जाता है, टू वर्शिप द गॉड एंड गॉडेस बाय ऑफरिंग देम यजना एंड प्रेयर, यानी कि यज्ञ और प्रेयर को ऑफर करके, यानी कि यज्ञ के द्वारा भी या देव यजना हम लोग वर्शिप के लिए करते हैं ऑफ गॉड एंड गॉडेस। द पेरेंट्स यजना टू सर्व द पेरेंट्स एंड टू ऑफर प्रॉपर रिगार्ड टू द टीचर एंड एल्डरली पर्सन, यानी कि अपने पेरेंट्स के लिए यज्ञ करवाना, अपने गुरु के लिए और अपने एल्डर पर्सन्स के लिए, टू सर्व द पेरेंट्स एंड टू ऑफर प्रॉपर रिगार्ड, यानी कि हम हमारा सम्मान अगर अपने पेरेंट्स और अपने गुरु को ऑफर करना चाहते हैं तो उसके लिए पेरेंट्स यजना परफॉर्म किया जाता है। भूत यजना टू सेटिस्फाई द हंगर ऑफ कैटल विज काउस बफेलोज एंड अदर एनिमल्स बर्ड्स काउ डॉग्स एंड टू सर्व द गेस्ट्स, भूत यजना। एंड नृप यजना टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, नृप यजना यानी कि सभी के कल्याण के लिए नृप यजना किया जाता है। तो इन इंडियन कल्चर अ मैन हैव बीन अर्ज्ड टू परफॉर्म 5 यजना इन हिज लाइफ, तो उसकी लाइफ में 5 यजना परफॉर्म करने के लिए उसको कहा गया है।
द फैमिली ऑफ, यहाँ भूत यजना किया जाता है तो सेटिस्फाई द हंगर ऑफ कैटल, कैटल्स की जो हंगर होती है यानी कि भूख जो होती है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, कि भाई उनकी भूख सेटिस्फाई रहे, उसके लिए भूत यजना किया जाता है। देव यजना, गॉड एंड गॉडेस को वर्शिप करने के लिए। पेरेंट्स यजना, कि हम हमारे जो सर्व हैं यानी कि हमारी जो सेवा है उसको ऑफर करने के लिए। पेरेंट्स यजना अपने टीचर्स, पेरेंट्स और अपने एल्डर्स को के लिए किया जाता है। नृप यजना फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल पीपल, यानी कि सभी के कल्याण के लिए, ऑल ह्यूमन बींग के बेनिफिट, या टू वर्क फॉर कि उनके कल्याण हो, उसके लिए ये नृप यजना किया जाता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फैमिली एंड पोजिशन ऑफ वुमेन। अब हम बात करते हैं कि वैदिक पीरियड में फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट था एंड इन दैट फैमिली वट वॉज द पोजिशन ऑफ ह्यूमन। फैमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडियन कल्चर, और इंडियन कल्चर में जो परिवार है वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है। और हम लोग जो बिलीव करते हैं वैदिक टाइम से वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह है कि ये होल वर्ल्ड ही क्या है, एक परिवार है। तो हमारा जो टॉपिक है अब वो क्या है, फैमिली एंड द पोजिशन ऑफ वुमेन, कि परिवार और उस परिवार में वुमेन की क्या पोजिशन रही है। वसुधैव कुटुंबकम में हम लोग बिलीव करते आ रहे हैं वैदिक पीरियड से ही, और वैदिक एज के अगर कुटुंब की बात करते हैं तो 1-2 generation लिव्ड इन टुगेदर, वो साथ में रहती थी, 1-2 generation लिव टुगेदर। इन मॉडर्न पीरियड इट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड फैमिली, और आज के पीरियड में इस तरह की फैमिली को संयुक्त परिवार कहते हैं। इन द वैदिक पीरियड द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन द फैमिली, कि वैदिक एज में जो वुमेन की पोजीशन थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। दे हैव सोशल एंड रिलीजियस राइट, और उनको दे हैड रिलीजियस एंड सोशल राइट इन द फैमिली, उनको फैमिली में सामाजिक राइट्स भी मिले हुए थे और रिलीजियस लाइफ राइट्स भी मिले हुए थे एज इक्वल टू मैन, यानी कि एक आदमी की तरह। तो वुमेन की पोजीशन नेगलेक्ट नहीं थी, डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं थी, एक अच्छी पोजीशन थी। और फैमिली कैसी थी वैदिक पीरियड में, पीपल लोग कैसे रहते थे, ऑफ 1-2 generation टुगेदर, वो 1-2 generation में साथ ही रहते थे। द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन सोशल लाइफ, कि परिवार जो है वो हमारे इंडियन सोशल लाइफ भारतीय समाज में एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि लोग परिवार में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेला नहीं। दिस इंस्टीट्यूशन हैज़ फीचर्स ब्रदरहुड बिटवीन वन इंडिविजुअल एंड अदर, और ये जो इंस्टीट्यूशन है ये ब्रदरहुड की फीलिंग को इनक्रीज करती है एक से दूसरे में। वी इंडियंस गिव द मैसेज टू द वर्ल्ड वसुधैव कुटुंबकम, और हम इंडियंस ने ही पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया है कि वसुधैव कुटुंबकम विद द वर्ल्ड, द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, कि पूरा वर्ल्ड ही हमारी क्या है, फैमिली। इन द वैदिक हिस्ट्री द वर्ल्ड कुटुंब हैज़ बिन इंस्टेड ऑफ परिवार। इन वन कुटुंब पीपल बिलोंगिंग टू 2 or 3 generation लिव टुगेदर, कि हम लोग वैदिक पीरियड में परिवार के लिए क्या वर्ड यूज़ लेते थे, कुटुंब यूज़ लिया जाता था। परिवार के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता था, कुटुंब यूज़ किया जाता था। इन द वैदिक हिस्ट्री द वर्ड कुटुंब हैड बीन यूज इंस्टेड परिवार, कि फैमिली या परिवार की जगह वैदिक एज में कुटुंब वर्ड यूज़ किया जाता था। इन वन कुटुंब, एक कुटुंब में पीपल बिलोंगिंग 2 or 3 generation लिव टुगेदर, और एक कुटुंब में लोग एक दो तीन पीढ़ी से जुड़े हुए लोग एक कुटुंब में रहते थे। इन मॉडर्न लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड यूनाइटेड फैमिली, और आज इसको संयुक्त परिवार कहते हैं। इन द वैदिक एज फादर डोमिनेटेड फैमिली मेंशन, वैदिक एज में फादर डोमिनेटेड फैमिली का मेंशन मिलता है, कि जो परिवार होता था उसका जो मुखिया होता था वो फादर हुआ करता था। बट वुमेन का भी क्या पोजिशन क्या होती थी फैमिली में, इम्पॉर्टेंट होती थी। बट देर वॉज ए नो डिफरेंस ऑफ सोशल रिलीजियस राइट बिटवीन सन एंड डॉटर, लेकिन बेटा और बेटी में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस नहीं था। द डॉटर एंड सन हैड राइट ऑफ द उपनयन संस्कार एजुकेशन परफॉर्मिंग द यजना, यानी कि पुत्र और पुत्री दोनों को ही यजना परफॉर्म करने के सोशल और रिलीजियस राइट दिए गए थे। मदर एंड वाइफ हैड अ हाई प्रेस्टीज इन द फैमिली एंड द सोसाइटी, और जो माँ और पत्नी होती थी यानी कि फीमेल की सोसाइटी में हाई प्रेस्टीज की पोजीशन होती थी। इस तरीके से हमने बात की है कि फैमिली एंड पोजीशन ऑफ वुमेन, की जो फैमिली थी परिवार था उसको वैदिक पीरियड में कुटुंब कहा जाता था, एंड पोजीशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी प्रेस्टीजियस इन द कुटुंब, कुटुंब में बहुत ही प्रेस्टीजियस थी। देर
there was no discrimination between the son and daughter. Both son and daughter enjoyed the right of social right and religious right. Both had right to performing yajnas. इस तरीके से हमने डेट्स, थ्री टाइप्स के डेट्स होते हैं, उसको कंप्लीट कर लिया है. पेरेंट्स डेट्स, सीज डेट्स एंड गॉड्स डेट्स. फाइव टाइप की यजनास होता है, जिसमें सबसे पहले कौन सा यजना है? ब्रह्मा यानी कि ऋषि यजना, देव यजना, उसके बाद में पेरेंट्स यजना, भूत यजना और नृप यजना. नृप यजना का क्या मतलब होता है? वर्क फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग, कि सभी ह्यूमन बींग का बेनिफिट का काम के लिए ये यजना किया जाता है. टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग नृप यजना किया जाता है. और पेरेंट्स को सर्व करने के लिए पेरेंट्स यजना किया जाता है. और हमने फैमिली का कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिया. अब जो लास्ट टॉपिक बच रहा है हमारा, वो अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इन डिफरेंट फील्ड्स. एंशियंट टाइम पर इंडिया का डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में क्या क्या अचीवमेंट रहा? अचीवमेंट इन रिलीजियस लाइफ, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, अचीवमेंट इन आर्ट, अचीवमेंट इन साइंस, अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी एंड इस तरीके से. ये सारे अचीवमेंट्स हम लोग कल कंप्लीट कर लेंगे और कल हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा. टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ. चैप्टर बड़ा ही ईजी है, फर्स्ट चैप्टर इट बट लेंथी ज़रूर है बहुत ही. हमने स्टार्टिंग से, मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि सबसे पहले हमने आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस पढ़े. आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बाद में हमने पढ़ा था सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री पढ़े, लिटरेरी आर्कियोलॉजिकल सोर्स. उसके बाद में हमने सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन और उसके फीचर्स पढ़े. सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन के बाद में हमने वर्णा सिस्टम पढ़ा और वर्णा सिस्टम के बाद में हमने पढ़ा था संस्कार पढ़ा और आश्रम सिस्टम पढ़ा. उसके बाद में हमने डीड्स और यजना यानी कि कर्ज, कितने तरीके के कर्ज होते हैं, यजना कितने तरीके के होते हैं, फैमिली कॉन्सेप्ट क्या था ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड और फैमिली में यानी कि कुटुंब में वुमेन की क्या पोजीशन थी. अब हम डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में अचीवमेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्राइब करेंगे इन आर नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू लाइक द वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. टिल देन बाय बाय, स्टे होम एंड स्टे सेफ.